हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय फिट्स ऑफ क्रॉप एंड स्टोर ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों की ऐसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में ग्राम कटवार्मा के बारे में, ठीक है। चने का जो कटुआ रोग है उसके, सॉरी, चने का जो कटुआ इंसेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, कटुआ कीट जो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कीट का नाम है? ग्राम कटवार्मा, ग्राम कटवार्मा इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं चने का कटुआ, या इसको कटुआ कीट, किराना, कमटा आदि नामों से जाना जाता है। ग्राम कटवार्मा को कटुआ कीट, किराना, कमटा आदि नामों से जाना जाता है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, या इसका साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एग्रोटिस विप्सिलान, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? एग्रोटिस स्पिलान, ठीक है। इसका ऑर्डर मतलब संघ कौन सा, गढ़ कौन सा है? लेपिडोप्टेरा, ठीक है, लेपिडोप्टेरा इसका गढ़ है। फैमिली कौन सी है? तो नक्टिडी, ठीक है, नक्टिडिया इसकी फैमिली है। होस्ट प्लांट की बात करें, किस किस पौधे पर यह रहता है, किस किस पौधे पर यह निवास करता है, तो इसके लिए चना, आलू, मटर, गेहूं, तंबाकू, कपास, सरसों, मूंगफली, पत्ता गोभी, रिज़का आदि पर ये जो प्लांट होता है या रहता है, आदि पर यह प्लांट रह सकता है, यह सब इसके होस्ट प्लांट हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये जो चने का कटुआ कीट है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम कटवार्म इंसेक्ट, ठीक है। इसको अन्य नाम में कटुआ कीट, किराना, कमटा नाम हो जाना था। इसका वैज्ञानिक नाम है एग्रोटिस विप्सिलान। इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। फैमिली इसका नक्टिडिया है, ठीक है। उपयुक्त जात, इस जाति के दो जातियां मिलती हैं, ठीक है। यह जो चने कटुआ डिजीज है, सॉरी डिजीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंसेक्ट है, इसके दो जातियां हैं, ठीक है। तो हम लोग को इतना विस्तार नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके बारे में जानते रहना है कि यह क्या है चने कटुआ रोग, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका होस्ट प्लांट मैंने बताया, इसका होस्ट प्लांट क्या क्या है? तो चना, आलू, मटर, गेहूं, तंबाकू, कपास, सरसों, मूंगफली, पात गोभी, रिज़का आदि इसके होस्ट प्लांट हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो भारतवर्ष के अतिरिक्त यह कीट, भारतवर्ष के अतिरिक्त यह कीट अमेरिका, अफ्रीका, लंका, वर्मा तथा यूरोप आदि देशों में मिलता है। भारत के अतिरिक्त यह जो कीट है कटवार्म, यह अमेरिका, अफ्रीका, लंका, वर्मा तथा यूरोप आदि देशों में मिलता है। भारतवर्ष में यह कीट लगभग सभी चना उगाने वाले राज्यों में पाया जाता है। भारत में जहां पर भी चना को उगाया जाता है वहां पर यह कीट पाया जाता है, और सबसे अधिक इसका प्रकोप उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, ठीक है। तो यह जो चने का कटुआ कीट है इसका सबसे ज्यादा प्रकोप कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका फोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह इस आकार का होता है, इस कलर का यह होता है, ठीक है। और यह इसकी जीवन काल में कुल चार चक्र होती हैं, चार अवस्थाएं होती हैं, जिनमें यह सुंडी की अवस्था में जब होता है तभी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस सब तुम लोगों को आगे देखना, पहले इसको आप लोग देख लीजिए इसका फोटो आप लोग, उसके बाद समझ में आएगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि यह इसका पोषक पौधा है चना, आलू, मटर, गेहूं, तंबाकू, कपास, सरसों, मूंगफली, पात गोभी, रिचका आदि। मैंने वितरण बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि भारतवर्ष के अतिरिक्त यह कीट अमेरिका, अफ्रीका, लंका, बर्मा, न्यूजीलैंड, मलाया, यूरोप आदि देशों में पाया जाता है। भारतवर्ष में यह कीट लगभग सभी चना उगाने वाले राज्यों में पाया जाता है, सभी प्रांतों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका प्रकोप जो होता है वह उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हेडिंग रहेगा क्षति एवं आर्थिक महत्व, या डैमेज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो भारतवर्ष में पराया जाड़े के समय कीट व्याधियों के प्रकोप के लिए सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। मतलब कहने का है कि भारत हमारा जो देश है इसको जाड़े के समय ऐसा माना जाता है कि इस समय हमारे फसलों में कोई कीट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कीट होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, वह छिप जाते हैं अपने स्थानों पर जाकर कहीं पर, ठीक है। तो यह माना जाता है कि हमारा जो भारत देश है वहाँ पर जाड़े का मौसम कीट व्याधियों के प्रकोप के लिए सुरक्षित है, परंतु ये कटुआ कीट उसे थोड़े से कीट समुदाय उस थोड़े से कीट समुदाय से संबंधित है, लेकिन कुछ कीट के ऐसे समुदाय भी हैं जो ठंडी के समय भी हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह कटुआ कीट भी उसी थोड़े से कीट के समुदाय से है, ठीक है। तो भारतवर्ष में प्रायः जाड़े का मौसम कीट व्याधियों के प्रकोप के लिए सुरक्षित माना जाता है,
परंतु एक कठुआ कीट उस थोड़े से कीट समुदाय से संबंधित है जो जाड़े में रबी की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, जाड़े के समय में जो रबी की फसल होती है उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। 5 रबी फसलों का नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप लोग बताते नहीं, मैं जो बोलता हूँ आप लोग बताइएगा, उससे आप लोगों को भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये कठुआ कीट जो होता है उस थोड़े से कीट समुदाय से है जो रबी के मौसम में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों की केवल सुंडी ही नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इन कीट या जो कीट होते हैं इनका जो सुंडी होता है, सुंडी को क्या बोला जाता है, सुंडी को अंग्रेजी में बोला जाता है लार्वा, ठीक है। यह लार्वल स्टेज पर ही फसलों को नुकसान पहुंचाता है, मतलब उसके बाद चाहे एक की अवस्था में रहेगा, चाहे प्यूपा की अवस्था में रहेगा, चाहे अडल्ट की अवस्था में रहेगा, यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ यह जो लार्वा की अवस्था में होता है तभी हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। यह जब लार्वा की अवस्था में होता है तभी हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि यह जो कीट होता है यह जाड़े के मौसम में हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है, रबी की फसलों को। इन कीटों के केवल सुंडी नुकसान पहुंचाती है, केवल इन कीटों का लार्वा जो है वही नुकसान पहुंचाता है, जिसके काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। जिसके कौन से मुखांग होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं, ठीक है। इन कीटों को कटुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छोटे से पौधे को पूरा या उनकी शाखा को काट कर जमीन पर गिरा देते हैं, ठीक है। यह जो कीट होते हैं इनको कटुआ कीट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह छोटे पौधे होते हैं उनको काट कर नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। इनको सतह सुंडी भी कहते हैं, इनको सतह की सुंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सतह की सुंडी, सरफेस कैटरपिलर भी इनको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता जमीन में कुछ गहराई तक ही सीमित होती है, मतलब कुछ अंदर तक ही जा सकते हैं जमीन में, ठीक है। इसीलिए इनको जमीन की सॉरी इनको सतह की सुंडी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, चलिए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों, मैं जो बताऊंगा सब कुछ समझ में आएगा, और मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सुंडी अधिकतर दिन में भूमि की दरारों में अथवा ढेलों के नीचे छिप जाती है, ठीक है। सुंडी जो होती है वह दिन में दरारों में अथवा ढेलों के नीचे छिपी रहती है। वह यह केवल रात्रि के समय निकलकर पौधों पर चढ़कर पत्तियां तथा कोमल शाखा को काटकर खाती है। यह जो सुंडी होता है, सुंडी को मैं बता रहा हूँ लार्वा बोला जाता है इसको। तो यह जो लार्वा होती है यह अधिकतर दिन में भूमि के अंदर दरारों में अथवा ढेलों के नीचे छिपी रहती है। यह केवल रात्रि के समय निकलकर पौधों पर चढ़कर पत्तियों तथा कोमल शाखाओं को काटकर खाती है। अंडों से निकलने के बाद सुंडी प्रारंभ में जमीन को छूती है। अंडा से जब निकलती है सुंडी, उसके बाद प्रारंभ में जो छूती हुई पत्तियाँ होती है जमीन पर, जैसे पौधा हो गया, ठीक है, इस पौधे की कुछ पत्तियाँ इस प्रकार से जमीन को छूती रहेंगी। तो यह जो सुंडी होती है सबसे पहले उस पत्तियों के एपिडर्मिस को खाती है। क्या खाती है, एपिडर्मिस को, या इसका बहुत प्रिय होता है, मतलब बोलते हैं इसका फेवरेट होता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो अंडे से निकलने के बाद सुंडी प्रारंभ में, सुंडी को देखिए बोलते हैं लार्वा, याद रखिएगा। तो अंडे से निकलने के बाद सुंडी प्रारंभ में जमीन से छूती हुई पत्तियों की एपिडर्मिस को खाती है तथा बाद में बड़े पौधों पर आक्रमण करती है। छोटे उग रहे पौधों को प्रायः जमीन की सतह से ही काट देती है। जो पौधा छोटा है वह उग रहा है उसको जमीन की सतह से ही काट देती है, जिससे पूरा पौधा ही सूख जाता है, जिससे क्या होता है पूरा पौधा ही सूख जाता है। परंतु बड़े पौधों की केवल शाखाएं ही काटती है। वास्तव में यह जो कीट होता है, इंसेक्ट होता है, यह खतरनाक कम है और नुकसान ज़्यादा करता है, ठीक है। और यह जो काट काट के नीचे गिराया हुआ होता है उसका पत्ता, उसको छोटी छोटी शाखाओं को खींचकर जमीन के अंदर लेकर जाता है और दिन में उसी को खाता है। शाखाओं एवं पत्तियों के काटे जाने से चने की बढ़वार मर जाती है, ठीक है, बढ़वार रुक जाती है और फूलों और फलियां भी कम लगती हैं। इस प्रकार उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब उसके पत्ते को काट देंगे, डंठल को काट देंगे, तना को काट देंगे, तो उससे क्या होगा, डालियां भी कम रहेंगी, उससे क्या होगा, उपज भी कम होगा, उससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चने की फसल पर इसका प्रकोप नवंबर से फरवरी के महीने तक रहता है, क्योंकि सुंडी शीत निष्क्रियता में नहीं जाती है, ठीक है। क्योंकि जो सुंडी होती हैं या जो लार्वा होता है यह शीत निष्क्रियता में नहीं जाता है। चने के बाद इसका प्रकोप आलू की फसल पर भी होता है। चना के बाद इसका प्रकोप जो होता है वह आलू की फसल पर भी हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो कीट होता है यह
रबी के मौसम में हमारे जो रबी की क्रॉप होती है उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का सिर्फ जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज होता है, वही हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे फसलों की जो छोटी छोटी पौधे होते हैं उनको काट देता है, काट कर नीचे गिरा देता है। इसको कैटरपिलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये काट काट कर नीचे गिरा देता है। इसको इसको सतह की सुंडी भी बोला जाता है क्योंकि यह इसकी क्रियाशीलता जो होती है जमीन में कुछ गहराई तक ही होती है। यह जो होता है अधिकतर दिन में भूमि के अंदर दरारों में और ढेरों को नीचे छिपा रहता है, और जो पत्तियां काट कर नीचे गिराया रहता है उसी को ले जाकर अंदर खाता है। ठीक है, अंडे से निकलने के बाद लार्वा जो होता है वह क्या करता है, जो जमीन से टच हुई पत्तियां, जमीन को छूती हुई पत्तियां, सबसे पहले उन्हीं को खाता है, बाद में बड़े पौधों पर आक्रमण करता है। और यह जो कीट होता है यह खाता कम है और नुकसान ज्यादा करता है। यह कीट जो है खाता कम और नुकसान ज्यादा करता है। ये इसकी पत्तियों को काटने के कारण, शाखाओं को काटने के कारण इस पौधे की बढ़वार जो होती है वो मर जाती है और फूल और फलियां भी कम लगती हैं। इस प्रकार इसके उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चने की फसल पर इसका प्रकोप नवंबर से फरवरी महीने तक रहता है क्योंकि सुंडी जो होता है शीत निष्क्रियता में नहीं जाता है। चने के बाद इसका प्रकोप आलू की फसल पर भी होता है। तो यह था डैमेजिंग एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, मतलब क्या हमारी फसलों पर आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। चलिए देखते हैं अभी इसका लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री जीवन काल या जीवन इतिहास बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जीवन में कुल चार अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसके जीवन में कुल चार अवस्थाएं होती हैं। जो यह सुंडी होता है, सॉरी, यह जो कटवार में होता है, चने का कटुआ रोग, कटुआ इंसेक्ट होता है, इसके जीवन में कुल चार अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला स्टेज होता है एग का, उसके बाद लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज और अडल्ट। अंडा, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, अडल्ट होता है, अडल्ट फिर अंडा देता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट अंडा देता है। और यह जो कीट होता है इसका जो पूरा जीवन काल होता है वह 35 से 84 दिन का होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों का, इस कीट का पूरा जीवन काल 35 से 84 दिन का होता है और यह एक साल में अपनी दो जनरेशन को पूरा करता है। ठीक है, एक साल में यह कीट अपनी दो जनरेशन को पूरा करता है। कितने जनरेशन को पूरा करता है, दो जनरेशन को पूरा करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे समझ में आ जाएगा। और यह जो कीट होता है यह अंडा से एक से लार्वा में 2 से 6 दिन में सामान्य मौसम में और 12 से 15 दिन में ठंडी के समय लार्वा में परिवर्तित होता है। और यह लार्वल स्टेज में 21 से 36 दिन रहता है और 21 से 36 दिन बाद लार्वल स्टेज से कहाँ पर चला जाता है, प्यूपल स्टेज में। और प्यूपल स्टेज में क्या 10 से 30 दिन तक रहता है। ठीक है, और इसी बीच में यह क्या करता है, अपना त्वचा निर्मोचन भी करता है। इसके बाद फिर क्या करता है, 10 से 30 दिन बाद यह अडल्ट में बदल जाता है। फिर अडल्ट में बदल होने के बाद मैथुन होने के 2 से 3 दिन बाद यह अंडा देता है और फिर अंडा देने के बाद यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और जब यह कई प्रोसेस बार बार चलता रहता है उसे कुछ चक्र बोलते हैं, तो इसको इसका जीवन चक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो इसके जीवन काल में कुल चार अवस्थाएं होती हैं, एक लार्वा प्यूपा अडल्ट, एक लार्वा प्यूपा अडल्ट, याद रखिएगा। तो प्रौढ़ कीट जो होते हैं वह मैदानी भागों में प्रायः जाड़े की शुरू में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देते हैं तथा गर्मियों के प्रारंभ तक मिलते हैं। इनका ये जो प्रौढ़ कीट होते हैं, प्रौढ़ मतलब अडल्ट, अडल्ट जो कीट होते हैं वह मैदानी भागों में प्रायः जाड़े के शुरू में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देते हैं तथा गर्मियों के प्रारंभ तक मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद यह पहाड़ों पर या पहाड़ों की ओर उड़ चले जाते हैं। फिर मैदानों में आकर मैथुन के बाद कीट चने की पत्तियों के निम्न तल पर अथवा पौधों की जड़ के पास ढेलों में अंडे देते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, ये जो होते हैं ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देते हैं, उसके बाद गर्मियों के प्रारंभ तक मिलते हैं, फिर पहाड़ों पर चले जाते हैं, उसके बाद मैदानों में आकर मैथुन के बाद कीट चने की जो पत्तियां होती हैं। ठीक है, कीट जो चने की पत्तियां होती हैं पत्तियों के निम्न तल पर और पौधे की जड़ के पास ढेलों में अंडे देते हैं। अंडा जो होता है वह फूट कर अलग अलग और कभी कभी समूह में 30 अंडे तक देती है। अंडा जो होता है वह कभी कभी अलग अलग देती है और कभी कभी समूह में 30 अंडे तक देती है। एक मादा जो होता है अपने जीवन काल में औसतन 300 से 350 अंडे देती है। एक मादा कटवार में जो होता है वह अपने पूरे जीवन काल में 300 से 350 अंडे देती है औसतन माना गया हो, और इसकी संख्या हजारों में भी देखी गई है। ठीक है, इसका प्रत्येक अंडा गोल पीला रंग का होता है। अंडे की बाहरी सतह पर धारियां होती हैं। अंडे के फूटने का समय साधारण रूप में 2 से 6 दिन तथा जाड़े में 12 से 15 दिन तक का होता है। मतलब यदि मौसम सामान्य रहेगा तो 2 से 6 दिन में अंडा फूट जाएगा, और यदि जाड़े का मौसम रहेगा तो 12 से 15 दिन लगता है अंडे को फूटने में। इसके बाद इसका दूसरा स्टेज होता है अंडा का। अब देखिए, प्रौढ़ था, प्रौढ़ से अब अंडा हो जाएगा। ठीक, अंडा बनेगा। तो अंडे से निकलने के बाद लार्वा
हल्की स्लेटी रंग की होती है। अब जो अंडा है, अब उसमें से कौन निकला, लार्वा, ठीक है। अंडे से निकलने के बाद जो लार्वा है वह हल्का स्लेटी रंग का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 मिलीमीटर होती है, ठीक है, 2 mm होती है। कितना होता है, जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर होती है, ठीक है। लार्वा दिन में ढेलों के नीचे छिपा रहता है और रात्रि में निकलकर कोमल शाखाओं और पत्तियों को खाता है। लार्वा, ये देखिए, एक ऐसी अवस्था है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है चने की, ठीक है। तो लार्वा जो होता है दिन में ढेलों के नीचे छिपा रहता है और रात्रि में निकलकर कोमल शाखाओं और पत्तियों को खाता है। लार्वा 21 से 36 दिन में पूर्ण हो जाता है। इस बीच यह चार बार त्वचा निर्मोचन करता है। इस बीच ये क्या करता है, 4 बार त्वचा निर्मोचन करता है, ठीक है। तो यह लार्वल स्टेज में 4 बार त्वचा निर्मोचन करता है, याद रखिएगा। इसके बाद इसकी अगली अवस्था होती है प्यूपा की। तो सुंडी के अंदर, या सुंडी बोल सकते हैं या लार्वा बोल सकते हैं, लार्वा जमीन के अंदर मिट्टी के खोल में कोसा अवस्था में बदलता है। प्यूपा का रंग लाल बड़ा होता है, ठीक है। प्यूपा का रंग लाल भूरा होता है, यहाँ पर बड़ा हो गया गलती से। तो प्यूपा का रंग जो होता है वो लाल भूरा होता है। प्यूपा से 10 से 30 दिन पश्चात प्रौढ़ कीट निकलते हैं, ठीक है। प्यूपा से जब 10 से 30 दिन हो जाता है उसका, तो उसमें से वह प्रौढ़ कीट में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार बोल सकते हैं। कीट का रंग भूरा होता है। नर कीट में द्वी कंघाकार तथा मादा में धागाकार एंटनी होती है। मुखांग दोनों में ही साइफनाकार होते हैं। पंख 2 जोड़ी होती है। अडल्ट की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। अडल्ट जो होता है इसका रंग भूरा होता है, और जो इसमें मेल कीट होता है, मेल इंसेक्ट होता है, उसमें द्वी कंघाकार तथा मादा में धागाकार एंटनी होती है। मुखांग दोनों में ही साइफनाकार होता है। पंख 2 जोड़ी होती है। अगले पंख पर मटमैले भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जबकि पिछले पंख सफेद होते हैं। उदर के अंतिम खंड पर बालों का गुच्छा होता है, ठीक। उदर का जो अंतिम खंड होता है उस पर बालों का गुच्छा होता है। इसका पूरा जीवन काल अंडे से लेकर प्रौढ़ तक 35 से 84 दिन तक का होता है। 1 साल में इसकी 2 पीढ़ी पूरी होती है, ठीक है। 1 साल में इसकी 2 पीढ़ी पूरी होती है। तो यह था इसके बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में। चलिए अब देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट है, खेतों के पास प्रकाश प्रपंच लगाकर प्रौढ़ कीटों को आकर्षित करके नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो हमारा खेत है वहाँ पर प्रकाश प्रपंच को लगाकर क्या कर सकते हैं, कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसकी वजह से संतान को, इसकी संतति भी कम किया जा सकता है। यह जो पॉइंट है इसको आप लोग सभी में यूज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, खेतों के बीच बीच में घास को उसके छोटे छोटे ढेर शाम के समय लगा देना चाहिए, ठीक है। खेतों के बीच बीच में घास के छोटे छोटे ढेर शाम के समय लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे जब रात होगा तो उस समय सुंडी खाने को निकलेंगे। बाद में आकर क्या करेंगे, सुंडी जो खाकर उन्हें इसी में आकर छिप जाएंगे, जिन्हें घास हटाने पर आसानी से हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, जहाँ पर कीट का प्रकोप हर वर्ष होता है, वहाँ पर बुआई से पहले ही फैनर वैलरेट, ठीक है, फैन वैलरेट 0.4% और 25 किलोग्राम धूल का प्रयोग करना चाहिए। कितना, 25 किलो धूल और 0.5 0.4% फैन वैलरेट, ठीक है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और खड़ी फसल में यदि कीट का प्रकोप होता है तो क्लोरपायरीफास 20 EC 3 लीटर को 1000 लीटर पानी मिलाकर पौधों पर, विशेष रूप से जड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। तो यह था आप लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं आप लोगों के AG 503 का, किस सब्जेक्ट का, AG 503 का, जो कि अभी एग्जाम में आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।